नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते होंगे टाइटल पढ़ के कि आज हम बात करने वाले हैं कैसे हम अपने एंड्रॉयड डिवाइस में गॉड हैंड गेम को प्ले कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा देखिएगा और हर स्टेप फॉलो करिएगा, क्योंकि हर स्टेप इस वीडियो में ज़रूरी है। अगर आप इन सब सारे स्टेप्स को नहीं फॉलो करेंगे तो आपके मोबाइल में गॉड हैंड गेम नहीं चलेगा और आपको ये वीडियो बार बार देखनी पड़ेगी। और आप कमेंट करेंगे कि ये गेम नहीं चलता, ये नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपके सामने लाइव ये गेम चला कर दिखाऊंगा, ठीक है? तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और हर स्टेप फॉलो करिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जरूरत है फाइल मैनेजर की। आप ES एक्सप्लोरर या ELF फाइल मैनेजर, दोनों में से कोई भी फाइल एक्सप्लोरर चला सकते हैं। अच्छे फाइल मैनेजर की आपको जरूरत पड़ेगी जो हमारे गेम फाइल को एक्सट्रैक्ट कर दे, ठीक है? फिर आपको जरूरत पड़ेगी डेमोन PS2 एम्युलेटर की। ये एम्युलेटर जो इसका फ्री वर्जन है, जो आपको यहाँ पे मिल जाता है प्ले स्टोर पे, ये देखिए ये वाला जो एम्युलेटर है फ्री वर्जन जब आपको मिल जाता है उससे ये वाला गेम नहीं चलेगा। आपको इसके लिए पेड वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा, लेकिन इसमें पैसा लगेंगे, लेकिन मैं आपको ये वर्जन फ्री में दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब हमें ज़रूरत है गॉड हैंड गेम की। मैंने ये गेम डाउनलोड कर लिया है और इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप इस गेम को डाउनलोड कर दीजिएगा। तीनों चीज़ों का लिंक जो मेन है, फाइल मैनेजर, डेमोन PS2 एमुलेटर, गॉड हैंड गेम और BIOS फाइल। BIOS फाइल बहुत ही ज़रूरी होती है ये सब गेम्स के लिए। तो ये है हमारे पास BIOS फाइल, यहाँ पे होगी, देखते हैं कहाँ। ये देखिए PS2BIOS.zip, ये PS2BIOS की फाइल है, ये भी बहुत ज़रूरी फाइल होती है। ये सारी फाइल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इन चारों चीज़ों को डाउनलोड करिए और आराम से अपने मोबाइल में प्ले करिए। अब कैसे प्ले करना है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको गॉड हैंड गेम जो है उस पर चले जाना है। चला जाता हूँ, ये आप यूसी ब्राउजर से अगर डाउनलोड करते हैं तो आपके यूसी ब्राउजर में डाउनलोड में चला जाएगा, ऐसा आ जाएगा गॉड हैंड USA ISO। इस पर क्लिक करना है आपको, फिर मोर वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देख सकते हैं ये ISO है, इसलिए हमें एक्सट्रैक्ट करने का वो नहीं मिला। अगर ये जिप या RAR हो जाता तो हमें एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन मिल जाता, तो हम एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देते हैं, एक्सट्रैक्ट हियर, और ऐसी फाइल बन जाती। तो ठीक है, इस फाइल को आपको डाउनलोड कर लेना है मेरे दिए हुए लिंक से। फिर उसके बाद आपको फाइल मैनेजर तो जानते ही आपको कैसे डाउनलोड करना है, वो डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आपको ये वाला जो है, चलते हैं यूसी डाउनलोड पे, फिर आपको जरूरत पड़ेगी BIOS फाइल की, ठीक है? BIOS फाइल ये देखिए जिप में है, इस पर क्लिक करना है, मोर पे क्लिक करना है। मोर पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं एक्सट्रैक्ट का यहाँ पे ऑप्शन आ गया। एक्सट्रैक्ट पे दबाने पे तीन ऑप्शन आ गया है, एक्सट्रैक्ट हियर, एक्सट्रैक्ट टू PS2 BIOS, एक्सट्रैक्ट टू। तो आपको क्लिक करना है एक्सट्रैक्ट हियर पे। हियर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये बन जाएगा। आप इसके लिए अलग से बाहर फोल्डर भी बना सकते हैं, वहाँ इस फाइल को डाल के आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हो गई, डेमोन PS2 एमुलेटर प्रो भी आप मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये सब चीज़ें होने के बाद हमें क्लिक करना है सिंपली डेमोन PS2 में एमुलेटर पे। एमुलेटर पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये है गॉड हैंड गेम। जब आप इसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो ऐसा आपको दिखाएगा,
इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन आ गए हैं, प्रोफेशनल एडिशन, परचेज कॉइन, फ्री कॉइन। फ्री कॉइन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। ये ऐड दिखा रहा है, इसको हटा देना है। स्टार्टिंग गेम हो रहा है, ये गेम स्टार्ट हो गया, लेकिन मैंने पहले भी इस गेम को खेला है इसलिए मुझसे ये BIOS फाइल नहीं मांगा। लेकिन आपको इसको BIOS फाइल के लोकेशन पे ले जाना पड़ेगा जहां आपने BIOS जिप को एक्सट्रैक्ट किया होगा। तो ये सब करने के बाद जब आप चालू करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। PS2 डेमोन PS2 एमुलेटर को स्टार्ट करने से पहले ये ध्यान रखिएगा कि आपका इंटरनेट ऑन हो, क्योंकि ये केवल ऑन इंटरनेट में ही गेम चलाता है। अब मैं आपको लाइव ये गेम खेल के दिखाता हूँ। मेरे मोबाइल में गेम लैग करता है, लेकिन अगर आपका प्रोसेसर अच्छा है, रैम अच्छा है, तो आपके मोबाइल में ये लैग नहीं करेगा। स्टार्ट होने में थोड़ा ये गेम टाइम लेगा। ये देखिए स्टार्ट हो रहा है। आज तक ऐसी वीडियो कोई भी यूट्यूबर ने नहीं बनाई है। अगर आगे जाके कोई यूट्यूबर ऐसी वीडियो बनाता है तो आप जान जाइएगा पहली वीडियो मेरी ही थी, बाकी तो उसने मेरा देखी के बना लिया। फिर ये देखिए ये आ चुका है हमारे सामने मेन्यू, मेन्यू खुल गया, ये स्टार्ट हो रहा है गेम। ये देखिए गेम चालू हो गया है हमारा, बस क्लिक करना है बटन पे और गेम चलने लगेगा। मैं आपको प्ले करके भी दिखाऊंगा गेम। मेरे पे फर्स्ट आया है तब भी मैं आपको स्टेप बाई स्टेप दिखा सकता हूँ। अब मजा लेते हैं हम अपने गॉड हैंड गेम का। PS2 का गेम मोबाइल में चलता है, गॉड हैंड शायद ही आज तक किसी ने अपने मोबाइल में चलाया होगा। ज़्यादातर तो फेक ही बना देते हैं, लेकिन ये एकदम रियल है, जेन्युइन तरीका है इस गेम को चलाने का। अगर आपने ये गेम नहीं खेला है तो जल्दी से खेल लीजिए। कौन सा इसका पैसा लगेगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। उससे हमें विश्वास मिलता है, जोश मिलता है आगे भी वीडियोस ऐसी अच्छी अच्छी बनाने का। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो हमारा गेम अब चालू होने वाला है। गॉड हैंड ऊपर लिखा रहा है, तो दोस्तों देखा जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये गेम चालू हो गया है। मैं पॉज बटन पे मार दे रहा हूँ, उससे स्टोरी स्किप हो जाएगा। तो बस अब हमें फाइट करना है गुंडों से। देखिए आपके सामने आ चुके हैं सब गुंडे, अब हम इन गुंडों की चटनी बनाते हैं। थोड़ा दिक्कत हो रहा है गेम खेलने में, लेकिन ये बहुत अच्छा गेम है। अगर ये स्पीड में मेरे मोबाइल में चलता तो बहुत मज़ा आता।
बस एक और औलाद अब ये मर जाएगा। और लग रहा मानना पड़ेगा। अरे बाप रे बाप, मेरे ऊपर ही गिरा दिया ये तो। गेम की ग्राफिक बहुत अमेजिंग है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे शिकार की तरफ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं थोड़ा देर ये गेम खेलने वाला हूँ, अगर आपको ये गेम प्ले देखना है तब देख सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है इस गेम प्ले करने में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये देख सकते हैं मोटा आ गया। जिसने गोडन गेम खेला होगा वो ये जानता होगा ये मोटा कौन है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस रोज़ाना लेके आता रहूँ। और तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत। सो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस रोज़ाना लेके आता रहूँ। और तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।